एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। आज हम चैप्टर 4 जो हाई स्कूल का चैप्टर है द्विघाती समीकरण उसको सॉल्व करने वाले हैं। द्विघाती समीकरण में यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी संभव से संभव क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। हमारे पास अनसॉल्व पेपर है, HM का अनसॉल्व पेपर। इस अनसॉल्व पेपर से मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा फोर्थ चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको केवल इसका बेसिक बताता हूँ, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इस सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला नंबर बेसिक पॉइंट क्या है, सबसे आपसे पहले क्या पूछा जाएगा बेटा चैप्टर के बारे में। यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूले लिख दूंगा सभी, और यहाँ फॉर्मूले लिखने के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन करते चलेंगे एक नंबर बाय नंबर। सबसे पहला नंबर आपके पास है चैप्टर नेम क्या है बेटा, चैप्टर नेम है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स क्या है, जहां चर मतलब वेरिएबल, चर क्या होते हैं बेटा एक्स वाई जेड जो भी आ जाए वो चर है आपके पास एबीसीडी का। चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए दो, ठीक है कितनी होनी चाहिए दो। द्विघाती समीकरण होता कैसा है, द्विघाती समीकरण होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या है बेटा व्यापक रूप है, क्या है इसका व्यापक रूप। आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्विघाती समीकरण जो है उसका व्यापक रूप कैसा होता है, व्यापक रूप बताइए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जो है इसका व्यापक रूप होता है। अगर आपसे बात की जाती है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, द्विघाती समीकरण जो होता है कैसे निकालते हैं। तो द्विघाती समीकरण जो होता है बेटा, द्विघाती समीकरण वो कैसे निकाला जाता है, द्विघाती समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा शून्य है, क्या है बेटा शून्य। जहां पर चर की अधिकतम घात दो है तो वहां शून्य भी कितने होंगे बेटा दो होंगे, ठीक है। अगला नंबर आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, विविक्त कर, क्या पूछा जाता है विविक्त कर। विविक्त कर का मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर डी बराबर फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। अब आप ये कहेंगे सर बी स्क्वायर और फोर ए सी कहां से लाए, तो जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा ना ये वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो भी होगा वो बी होगा, अकेला जो होगा वो सी होगा, ठीक है बेटा। अब कंडीशन क्या है, अगर आपसे बोला जाए मूल समान व वास्तविक है, क्या बोला जाए मूल समान व वास्तविक है, तो मूल समान व वास्तविक है तब हम क्या करते हैं डी बराबर जीरो रखते थे, क्या रख देते हैं बेटा डी बराबर जीरो। मूल समान व वास्तविक बोलेगा तो डी बराबर जीरो रख देंगे, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है बेटा, तो आप डी की जीरो रख दो, तो जीरो रखोगे तो बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। अब इस कंडीशन में मूल क्या होते हैं बेटा, मूल समान है तो मूल क्या होंगे माइनस का बी अपॉन टू ए और माइनस का बी अपॉन टू ए। इस कंडीशन में मूल क्या होंगे माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए। अगर आपसे बोला जाए मूल वास्तविक है, क्या बोला जाता है बेटा मूल वास्तविक है, अगर मूल वास्तविक है तब जो डी का मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब डी का मान धनात्मक आए, कैसा आए बेटा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव की वैल्यू अगर आएगी तो डी का मान बड़ा हो जाएगा, तब मूल जो होंगे वो क्या होंगे बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए, ये जीरो हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है बेटा, यदि डी जो है वो जीरो से छोटा हो जाए, मतलब डी का मान नेगेटिव आए माइनस की संख्या आए, तब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है बेटा। अब हम सवाल नंबर एक से देखेंगे बेटा, ये आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, हमें क्वेश्चन नंबर एक से आपको बताते हुए चलूंगा जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने में पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, ये क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर का ही मतलब क्या होता है बेटा समान है, k का मान आपसे पूछा गया है। सवाल क्या लिखा हुआ है बेटा,
टू एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में के ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बराबर जीरो के मूल बराबर या समान है, तब आपसे पूछा गया के का मान बताइए। तो मूल बराबर और समान, मूल समान व वास्तविक, वास्तविक का नहीं है ये तो देखो, मूल समान लिखा है ना इतना देखो बस, मूल समान होते हैं तो डी की जगह क्या रखते हैं जीरो। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, टू एक्स स्क्वायर सॉल्व क्या करना है, के का अंदर मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट पहले, तो के एक्स हो जाएगा, माइनस के का माइनस वन से कराएंगे तो माइनस वन का माइनस के से कराएंगे तो प्लस का के बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसका कंपेरिजन करो ए और बी का मान निकालने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब आपसे बोला कि आप ये कैसे कहेंगे बेटा हमने यहाँ इसी समीकरण को क्यों देखा, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात दो है तो इसलिए हमने द्विघाती समीकरण से तुलना कर दी। अब एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा दो, ए बराबर क्या हो गया दो। एक्स लिया, एक्स है तो पी की वैल्यू कितनी है माइनस का के, तो पी बराबर क्या हो जाएगा माइनस के। सी की वैल्यू क्या है बेटा प्लस का के, तो सी बराबर क्या हो जाएगा के। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मूल बराबर, बराबर का ही मतलब क्या होता है समान है, समान है तब d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, लेकिन d की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा जीरो, या मैं लिख दिया मूल समान बराबर के लिए, तो d की जगह मैं क्या रखूंगा जीरो बराबर, b की जगह क्या रखना है b का मान है माइनस के, माइनस के का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए के प्लेस पर टू आएगा और b के प्लेस पर के आएगा, तो यहाँ माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये चार दूनी कितना हो जाएगा आठ के बराबर क्या हो जाएगा जीरो। बात समझ में आ रही है बेटा। अब यहाँ से आप के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बेटा एट के बोलेंगे, तो ये आप ऐसा करो इसमें से पहले के कॉमन ले लो, के यहाँ पर भी है के यहाँ पर, के कॉमन लेंगे तो यहाँ दो पावर है एक बाहर निकलेगी तो एक अंदर रह जाएगी, यहाँ से पूरा हट जाएगा तो एट बचेगा बराबर जीरो। तो पहला मान आएगा के बराबर जीरो, ये पहला हो गया के बराबर जीरो, और फिर इसके ब्रैकेट बराबर, तो के माइनस का एट बराबर जीरो माइनस है तो क्या होगा प्लस का आठ बराबर एट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है अगर कंडीशन देखनी है मूल समान या बराबर है तो हमें सबसे पहले जो समीकरण है उसको सही लिखने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके ए बी सी के मान निकालने और फिर व्यक्त करके फॉर्मूले में डी के प्लेस पे क्या रख देना है जीरो रख देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री बराबर जीरो का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा दो, तो चर की अधिकतम घात दो है तो हम इसका सबसे पहले क्या कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर कैसे करेंगे बेटा दो घात वाले से, दो घात वाला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करें, क्या करें तुलना। तो देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, ए के प्लेस पे क्या है बेटा थ्री, तो ए बराबर थ्री, बी बराबर एक्स के प्लेस पे एक्स है, बी बराबर क्या है माइनस, तो बी बराबर माइनस, तो सी बराबर क्या लिखा हुआ है बेटा वन अपॉन थ्री, ये पूरा है आपके पास वन अपॉन थ्री। अब क्या निकालना है विभक्त कर, विभक्त कर डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, और बी के प्लेस पे क्या आएगा माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए के प्लेस पे क्या है थ्री, और बी सी के प्लेस पे क्या है वन अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कट गया, टू का स्क्वायर क्या आएगा बेटा फोर, और माइनस का फोर, फोर में से फोर गया जीरो, तो डी का मान क्या आ गया जीरो, डी बराबर जीरो। अब जब डी बराबर जीरो है, डी बराबर जीरो, तो डी बराबर जीरो कब होता है मूल समान व वास्तविक, क्या होगा मूल समान व वास्तविक। यहाँ पे मूल कैसे होंगे, मूल समान व वास्तविक, कैसे होंगे मूल समान व वास्तविक। अगर मूल पूछता तो मूल क्या होते हैं बेटा, मूल होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए, तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू रखनी है, यहाँ टू मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ए की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे मूल आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। आप यहाँ पे देखो अधिकतम पावर कितनी है, दो पावर है, तो दो पावर होने पर दो मूल होते हैं, दो पावर होने पर दो मूल कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कौन कौन से, अल्फा और बीटा होते हैं, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस का ट्वेल्व बराबर जीरो दे रखा है, यहाँ वन मान लीजिए कोई नहीं है गुणांक में, तो इसकी तुलना करेंगे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, क्या लिखेंगे से तुलना करने पर, आप तुलना करिए, तुलना करने पर एक्स स्क्वायर लिया, अब एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक, ये ए की वैल्यू हो गई, एक्स ही अब एक्स है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का सेवन, बी बराबर माइनस सेवन, सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा। अब मूलों का व्युत्क्रम, सबसे पहले मूल देखो, मूल क्या है बेटा, मूल होते हैं अल्फा व बीटा,
ये अभी सीधे लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख दो। अब इनका व्युत्क्रम निकालो, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब पलट दो, वन ऊपर अल्फा नीचे व वन ऊपर बीटा नीचे। अब इनका योग, योग का मतलब क्या है, प्लस करो, योग फल का मतलब प्लस करो, तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। अब ये फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फ्रैक्शन के लिए दोनों एलसीएम निकाल दो, अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा का अगर गुणा करेंगे तो बीटा प्लस, अल्फा का अगर करेंगे तो अल्फा प्लस। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने यहाँ लिखा नहीं है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ये बात याद रखनी पड़ेगी बेटा। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ए से ए कट गया, ऊपर माइनस बी बचा और नीचे सी, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, तो ये वाला माइनस लगाओ पहले और बी की जगह माइनस सेवन रखो, ये वाला माइनस लगा दिया और बी की माइनस सेवन, ए की और सी की जगह कितना है बारह, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेवन बटे ट्वेल्व आपका ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल है, मूल होने का मतलब क्या है बेटा, आपसे ये पूछा गया है कि इसकी कंडीशन क्या है, तो आप सबसे पहले इसका कंपेरिजन करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, ये बेटा हमें करना ही करना है तो तुलना करने पर, अगर हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या है टू, ए बराबर टू हो गया, एक्स लिया पर एक्स है, बी बराबर क्या है माइनस का चार, तो बी बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का चार, ठीक है। अब सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का एक, सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि डी पे डिपेंड करता है, जब डी की वैल्यू जीरो होगी तो मूल ऐसे हो जाएंगे, डी की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी तो ऐसे हो जाएंगे, तो कहने का मतलब क्या है डी की जब वैल्यू हमें पता होगी तब हम इन तीनों कंडीशन में बताएंगे कि मूल समान वास्तविक है या मूल वास्तविक है या मूलों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है बेटा, b की जगह क्या आएगा माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह क्या आएगा 2 और c की जगह कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा d बराबर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 2 जगह कितना हो जाएगा 8, यहाँ घटा हुई माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा माइनस 4 होता है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और चार चौके 16, इसलिए माइनस चार का स्क्वायर प्लस 16 लिखा है, माइनस का माइनस चार दूनी आठ, आठ घटा हुए तो डी आ गया प्लस, और ये वैल्यू का आइडिया ये प्लस की, डी का मान प्लस, तो डी का मान प्लस, डी का मान प्लस आए, डी का मान कैसा है प्लस का है, तो मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे बेटा मूल वास्तविक होंगे, तो मूल कैसे हो जाएंगे बेटा वास्तविक होंगे, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विव्यक्तकर d बराबर है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा तुलना, तो x स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 9, ऐसे यहाँ पे x लिया पर x, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 6 और c की वैल्यू क्या है बेटा प्लस का 1, अब d बराबर लगाएंगे बेटा b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा b की जगह क्या आएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 9 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 से 36 हो जाएगा, दो पावर है इसलिए दो बार लिख करके मल्टीप्लाई करा दिया गया, ठीक है, 4 9 36 हो जाएगा, तो इस तरह से इसको माइनस करो 0, तो d बराबर 0 हो गया। अब मूलों की प्रकृति आपसे पूछता, अभी मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति आप कैसे बताते बेटा, मूलों की प्रकृति d का मान 0 है, तो d का मान 0 है, मूल समान व वास्तविक है, क्या होती प्रकृति बेटा मूल समान व वास्तविक है, मूल समान व वास्तविक है बेटा। अगला देखें क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल बराबर, मूल समान या बराबर, बात एक ही होती है बेटा, बराबर बोलो या समान बोलो, मूल बराबर व वास्तविक, मूल बराबर हो व वास्तविक हो, तो कौन सी कंडीशन, d बराबर 0 रखना है, तो सबसे पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देना है बेटा, तुलना कर देनी है, क्या करनी है तुलना करनी है, तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर a की जगह कितना है 2, तो a बराबर 2 आ जाएगा, x या x की जगह क्या प्लस k, तो b की जगह प्लस का k, अगर जब माइनस k होगा तो माइनस लिखेंगे, c की जगह कितना है बेटा 3। अब मूल कैसे,
बराबर मूल बराबर है तब डी बराबर क्या रखेंगे बेटा, डी बराबर जीरो, डी बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ठीक है बेटा, डी की जगह जीरो आएगा तो बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखना है के, के का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह टू और यहाँ पे कितना आएगा थ्री बराबर जीरो, के स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा चार दुनिया आठ, आठ दिया चौबीस हो जाएगा बेटा, ठीक है चार दुनिया आठ चार दिया बारह चौबीस हो जाएगा बराबर जीरो, चौबीस को हम इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगी, के स्क्वायर बराबर चौबीस, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट में क्या आएगा चौबीस, अगर मैं चौबीस के फैक्टर करता हूँ तो दो से काटूंगा बारह बार, दो से काटूंगा छह बार, दो से काटूंगा तीन बार, दो से काटूंगा तीन से काटूंगा एक बार, दो का एक पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा सिक्स के बराबर क्या जाएगा टू रूट सिक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पर आप याद रखेंगे स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस, स्क्वायर हटाए भी क्या लगाएंगे स्क्वायर हटाया इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये क्या आ गया प्लस माइनस टू रूट सिक्स। एक सवाल है बेटा आपके पास, ये चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है किसके मूलों का योग तीन होगा, मूलों का योग क्या होता है बेटा, देखो ये मूल है अल्फा बीटा, योग का मतलब प्लस किया क्या होता है माइनस बीटा कौन है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं वन लगा दे रहा हूँ बेटा जैसे वैल्यू पता चले, ये क्या है बेटा ए, ये क्या है ए, ये क्या है बेटा बी, और ये क्या है बेटा आपके पास सी, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है एक्स वगैरह से, इनसे तो आपको कोई मतलब है ही नहीं, आपको केवल वैल्यू देखनी है, तो ये क्या है ए, ये है बी और ये सी, ये है ए, ये है बी और ये सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है बेटा, तो माइनस बी अपॉन ए लगाना है ना, अब पहले वाले में बी की जगह क्या रखोगे माइनस का तीन और ये माइनस पहले से, और ए की जगह दो रखोगे, दो से इसको काटोगे तीन आ जाएगा, नहीं आएगा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला क्या है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो बी के बी की जगह क्या दूसरे में प्लस का तीन, तो यहाँ रखा प्लस का तीन माइनस वैसे, और ए की जगह क्या माइनस का एक, यहाँ रखा माइनस एक, माइनस माइनस का एक का बाद तीन होने तीन आएगा, तो मूलों का योग पर अल्फा प्लस बीटा, कौन से वाले ऑप्शन का सही है बेटा दूसरे वाले का सही है, कौन से वाले का सही है दूसरे वाले का सही है, अगला ऑप्शन देख, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के बराबर जीरो का व्युत्क्रम कितना है बेटा अठासी, के का मान निकालिए, तो सबसे पहले कंपेरिजन करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी एक्स प्लस की बराबर जीरो से क्या कर दें तुलना कर दें, तो तुलना करने पर एक्स से एक्स हटाओ ये कट गया, इससे इसको हटा दो ये हट गया यहाँ से बेटा, तो आप देखो ए की जगह कितना दिख रहा है ए बराबर तीन दिख रहा है, बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है माइनस का चार दिखाई दे रहा है, सी की जगह क्या दिखाई दे रहा है के दिखाई दे रहा है, अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होता है, डी बराबर कितना दिया विभक्त कर डी होता है अठासी आपको दे रहा था, ठीक है तो डी की जगह अठासी रख दीजिए, बी की जगह क्या रखेंगे बी की जगह माइनस चार तो माइनस चार का स्क्वायर माइनस चार, ए की जगह क्या रखना है तीन और सी की जगह क्या रखना है के, अठासी वैसे का वैसा चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा प्लस सोलह माइनस चार किया कितना हो जाएगा बारह के, इसको इधर लाएंगे तो आएगा अठासी, ये प्लस है माइनस है सोलह बराबर माइनस के बारह के हो जाएगा बेटा, माइनस बारह के बराबर क्या हो जाएगा जहाँ से इसको बढ़ा दो तो यहाँ दो और यहाँ सात, बारह पंजे साठ बारह से क्यों आता बारह से इसको काट दिया आपने के बराबर बेटा छः, ये माइनस इधर था माइनस यहाँ से यही हो जाएगा। आइए एक सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके पास, अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस छः के अगर मूल हैं तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे है क्या, यहाँ लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस के छः बराबर जीरो, इसको सबसे पहले कंपेरिजन करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से, अगर हम कंपेरिजन करते हैं तुलना करके तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा दो एक्स से एक्स हटा दो, ए की जगह क्या बचेगा बेटा ए बराबर दो, बी की जगह माइनस के तीन और सी बराबर क्या बचेगा बेटा आपके पास छः बचेगा, ठीक है तो आपको निकालना ये है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यहाँ बीटा की पावर एक है यहाँ अल्फा की पावर दो, अल्फा बीटा दोनों से कॉमन है निकाल दो, यहाँ से अल्फा की पावर दो है तो इतनी रह जाएगी एक, क्योंकि एक निकाली है यहाँ बीटा की पावर एक है एक पूरी बात निकल प्लस, यहाँ से अल्फा पूरा बाहर निकल गया एक पावर निकाली है बीटा की पावर दो है तो यहाँ एक बीटा बचेगा, अब अल्फा इंटू बीटा ये देखो अल्फा इंटू बीटा लिखा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या आएगा सी अपॉन ए, ठीक है ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा,
अब सी की वैल्यू कितनी है 6, ए कितना है बेटा आपके पास 2, ब्रैकेट में बी की है क्या माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना है आपके पास बेटा 2 है। यहाँ पे अब आप लिखेंगे 2 से काटो, 2 3 6 3 3 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बेटा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो अगला चैप्टर आप बताएं कमेंट करके आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, वही आपको कराया जाएगा। धन्यवाद।